अच्छा गोवर, आपने आज कहा कि आपको मैं आज कुछ स्पेशल खिलाने लगा हूँ, सो स्पेशल क्या है? जी मैं लांदी का गोश्त खिलाने जा रहा हूँ आपको। लांदी का गोश्त आज खिलाऊंगा। अच्छा लांदी का गोश्त आप पकाते किस तरह, मीन्स कि कैसे बनाओगे आप? जी अभी आप देखोगे, मैं पकाऊंगा और आप देखोगे कि किस तरह हम पकाते हैं लांदी का गोश्त। सो लेट्स हैव अ गो। यस जी अब्दुल्ला, जैसे मैंने कहा था, अभी मैं प्याज काट रहा हूँ। सबसे पहले प्याज काटने होंगे, फिर उसके बाद जब प्याज आप काटोगे एक दो दाने, उसके बाद आपको मिर्चे काटने होंगे। अच्छा मिर्चे काटने के बाद टमाटर काटने होंगे आधा के जी। अच्छा एंड देन टमाटर डालने के बाद फिर आप एक प्रेशर कुकर में असल में पकाते हैं हम। अच्छा प्रेशर कुकर रखना होगा सिलेंडर पे, यस। उसमें 3 स्पून घी, ज़्यादा कम हो सकता है लेकिन 3 स्पून, और 3 स्पून घी डालने के बाद यस। फिर आपने क्या करना है, बीन्स की प्याज मिक्स करनी है इसमें, हाँ जो प्याज काटे थे वो प्याज मिक्स करने, और इसके बाद हरी मिर्च मिर्च मिक्स करने, एंड देन और उसके बाद टमाटर मिक्स करने हैं। अच्छा टमाटर इसी तरह छोटे करने हैं ना, छोटे पीसेस करके मिक्स करने हैं। टमाटर मिक्स करने के बाद बस उसके बाद फिर रगड़ मसाले देना है, मसाला ऐड करना है। मींस कि इसका भी अच्छी तरीके से। अच्छा अब गोश्त ऐड होता जा रहा है, लांदी लांदी हाँ, असल में ये है। लांदी का ड्राई गोश्त होता है जो कि पश्तूंस सर्दियों के टाइम में खाते हैं, उसमें पहले इसको ड्राई करते हैं अंदर। अब तैयार है हमारा जो सही शोरबाटा, हो गया है। तैयार है मींस कि आपने इसको कितने टाइम, पौना पौना घंटा, 45 मिनट्स, यस। अच्छा यहाँ पे अपनी रोटी को बिल्कुल लॉफ्स में छोटे करने हैं, स्मॉल पीसेस में बना रहे हैं। अच्छा यहाँ पे इस पे आपने शोरबा डाली, शोरबा डाल रहे हैं अभी इसके ऊपर। अच्छा ये तो कसम से बिल्कुल टेस्टी लग रहा है ना। बिल्कुल अभी आप खिलाऊंगा भी भाई, आप खाएंगे तो इंशाल्लाह देखना, इसको इसकी जो लुक है उसको देख। बिल्कुल इंसान जो इंसान भूखा नहीं है उसको भी भूख लग जाती है। बिल्कुल सीधा टेस्ट का बाद में पूछूंगा आपसे। ये टेस्ट तो जाहिर सी बात है, जैसी मींस के जिस तरह लग रहा है इस तरह तैयार हो रही है, इंसान को ऐसी भूख लग जाती है। अब्दुल्ला मुझे सच में भूख लग गई, तो चलो इस भूख को मिटा लेते हैं, अभी इसको खा लेते हैं फिर से और ट्राई। ये बात टेस्ट को तो अभी टेस्ट करेंगे, लेकिन इस जो फ्रेग्रेंस इमिट कर रही है ना, दैट इज सो अमेजिंग गोर। अभी देखते हैं कि इसका टेस्ट किस तरह होगा। फ्रेग्रेंस तो बहुत जबरदस्त है। बिल्कुल कैसा टेस्ट, बहुत जबरदस्त, बहुत मजेदार। कैसे लग रहा है गौर साहब? कमाल, मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। So this is what we call Landi. In the end, you must know that this meat was sent by Gore's mom, and we thank her.